इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 11 सितंबर है, 20 साल पहले आज ही के दिन अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था और आज उसी घटना की 20वीं बरसी के मौके पर अफगानिस्तान में तालिबान की आतंकवादियों वाली नई सरकार शपथ लेने जा रही है। 20 साल बाद अफगानिस्तान में आज आतंकवादियों की सरकार बनने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर शिक्षा और कानून मंत्री तक सब एक से बढ़ के एक आतंकी हैं। गृह मंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक मोस्ट वांटेड आतंकी हैं। कहा जा रहा है कि तालिबान ने अमेरिका को चिढ़ाने के लिए अपनी शपथ ग्रहण समारोह की तारीख आज के दिन पर चुनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये दो तस्वीरें आज के दिन होने वाले कार्यक्रम की गवाही दे रही हैं। एक भविष्य की बात कर रही है और एक बीते हुए कल की बात कर रही है। जहां एक तरफ आज तालिबान की नई सरकार शपथ लेने वाली है, तो वहीं आज ही के दिन आज से 20 साल पहले अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला किया गया था और इस हमले की 20वीं बरसी के मौके पर तालिबान सरकार शपथ लेगी। आज जब अमेरिका के लोग ट्विन टावर की हमले की बरसी के मौके पर वर्ल्ड ट्रेड टावर के नीचे इस हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे, तब काबुल और कांधार में तालिबान की आतंकवादियों वाली सरकार के मंत्री शपथ लेंगे। तालिबान इस ओथ सेरेमनी को दुनिया के सामने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाना चाहता है। शपथ ग्रहण समारोह काबुल के साथ साथ कांधार में भी होगा। पता यह चला है कि ज्यादातर मंत्री काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस में शपथ लेंगे, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मौलवी हन्नाफी दोनों डिप्टी पीएम मिनिस्टर भी काबुल रहेंगे। लेकिन अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मुल्ला हसन अखुंद कांधार में शपथ लेंगे। कांधार में ही तालिबान का सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा भी मौजूद रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए तालिबान ने पाकिस्तान और चीन समेत 6 देशों को न्योता भेजा है, लेकिन कौन कौन सा देश इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि रूस ने कह दिया है कि वो शपथ में शामिल नहीं होगा, जबकि पाकिस्तान की ओर से ये तय है कि कई बड़े सैन्य अधिकारी शपथ में शामिल होंगे। आज अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार में जो 33 मंत्री शपथ लेने वाले हैं, यूएन के मुताबिक उनमें से 16 घोषित आतंकवादी हैं, जिन पर करोड़ों के इनाम भी घोषित किए गए हैं। आपको बताते हैं तालिबान की इस्लामिक अमीरात सरकार में किस किस खूंखार आतंकवादी को कौन कौन से मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे पहले बात करते हैं हिबतुल्लाह अखुंदजादा की। तालिबान के फाउंडर्स में से एक हिबतुल्लाह फिलहाल तालिबान का सुप्रीम लीडर है और नई सरकार में उसके पास कोई पोर्टफोलियो तो नहीं, लेकिन माना यही जा रहा है कि तालिबान की नई सरकार उसी के इशारे पर चलेगी। तालिबान के खूंखार आतंकवादियों में से एक मुल्ला हसन अखुंद अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेगा। हिबतुल्लाह अखुंदजादा का करीबी इसे कहा जाता है और बताया यह भी जा रहा है कि हिबतुल्लाह ने ही उसे प्रधानमंत्री बनाया है। आज वो कांधार में शपथ ले सकता है। तालिबान सरकार में 2 डिप्टी पीएम होंगे, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मौलवी हन्नाफी। आज तालिबान सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी शपथ लेंगे अपने अपने पदों में और तालिबान के संस्थापकों में से एक मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब आज रक्षा मंत्री के तौर पर शपथ लेगा। अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकवादी और हक्कानी नेटवर्क का मेंबर सिराजुद्दीन हक्कानी गृहमंत्री की शपथ लेगा। सिराजुद्दीन हक्कानी पर अमेरिका ने 37 करोड़ का इनाम रखा है। 13 साल पहले सिराजुद्दीन हक्कानी ने ही काबुल में भारतीय दूतावास के पास हमला करवाया था। इस हमले में 58 लोगों ने जान गंवाई थी। भारत से बातचीत करने वाले शेर मोहम्मद अब्बास की बात की जाए तो आज वो उप विदेश मंत्री पद की शपथ लेगा। इनके अलावा भी कई ऐसे नाम जो आज शपथ लेंगे। उन नामों की बात करें जो और सामने आए हैं शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर, तो कई बड़े आतंकवादियों को मंत्री बनाया गया है, अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है जो आज शपथ लेने वाले हैं। लेकिन सबसे खास बात कि मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री शामिल नहीं है और अफगानिस्तान में एक भी महिला को मंत्री का पद नहीं मिला है। तालिबान का यह कहना है कि महिलाओं को सिर्फ घर पर रहना चाहिए और उन्हें बच्चे पैदा करना चाहिए। धार्मिक मामलों के मंत्री
नूर मोहम्मद साकिब शपथ लेगा। जनजातीय मामलों का मंत्री नूरुल्लाह नूरी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा और शपथ लेगा। इसके अलावा मोहम्मद यूनिस अखुंदजादा देखने वाला है कि लोक निर्माण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, और अब्दुल मन्नान ओमारी की बात की जाए तो वो जल और ऊर्जा मंत्री के तौर पर शपथ लेगा। इसके अलावा अब्दुल लतीफ व मंसूर शपथ लेगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर हमीदुल्ला अखुंदजादा शपथ लेगा। अफगानिस्तान में उच्च शिक्षा यानी कि हाई एजुकेशन वॉन्टेड आतंकी अब्दुल बाकी हक्कानी संभालेगा। 20 साल बाद तालिबान की वापसी कैसे हुई, अब यह समझना आपके लिए जरूरी है। दरअसल तालिबान के इतिहास में इन तारीखों को हमेशा याद रखा जाएगा। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था। 26 अगस्त को तालिबान के वापस आने के बाद पहला विस्फोट हुआ जिसमें 150 से ज्यादा नागरिक मारे गए और 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए। 7 सितंबर को अफगानिस्तान को चलाने वाले चेहरों का ऐलान हुआ और आज अफगानिस्तान के बड़े बड़े आतंकी मंत्री पद की शपथ लेंगे। अब आपको अफगानिस्तान को चलाने वाले कुछ चेहरों के बारे में एक बार फिर से बताते हैं। कोई दुनिया के लिए मोस्ट वांटेड है तो कोई सैकड़ों लोगों की मौत का गुनहगार है। सबसे पहला नाम हिबतुल्ला अखुंदजादा। अखुंदजादा की बात करें तो अफगानिस्तान में सबसे शक्तिशाली नेता यही होगा। जुडिशरी, सरकार और आर्मी के भी ऊपर होगा हिबतुल्ला अखुंदजादा। अखुंदजादा कंधार में रहता है और इसका संबंध नूरजई कबीले से है। तालिबान के धर्म से जुड़े सभी आदेश अखुंदजादा ही जारी करता है। हिबतुल्ला अखुंदजादा एक धार्मिक कट्टरपंथी है। बामियान के में बुद्ध की मूर्तियां जब तुड़वाई गई थी तो उन मूर्तियों को तुड़वाने का आदेश भी अखुंदजादा ने ही दिया था। इसके बाद अगले नाम की बात करें तो अफगानिस्तान में मुल्ला हसन अखुंद का नंबर 2 है जो आज अफगानिस्तान में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाला है। मीडिया से दूर रहने वाले इस आतंकी की 10 दिन पहले ही इंटरनेट पर सही सही तस्वीर तक नहीं है। मुल्ला हसन अखुंद फिलहाल रहबारी शूरा यानी कि लीडरशिप काउंसिल का मुखिया है। अफगानिस्तान में रहबारी शूरा तालिबान की सबसे शक्तिशाली निर्णय लेने वाली संस्था है। हसन अखुंद का जन्म उसी कांधार में हुआ जिससे तालिबान की भी शुरुआत हुई थी। हसन का नाम संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूचियों में सबसे पहले नंबर पर शामिल है। अफगानिस्तान में सरकार आज शपथ ले रही है लेकिन बॉर्डर पर आज भी वही स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोग किसी तरह अफगानिस्तान छोड़कर वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर स्पिन बोल्डक पर हजारों लोग बॉर्डर पर इकट्ठा हैं। ये लोग किसी भी तरह पाकिस्तान में दाखिल होना चाहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और जहां जहां एंट्री पॉइंट्स हैं वहां वहां हालात कुछ ऐसे ही हैं। तालिबान के आने के बाद से पाकिस्तान ने इन इलाकों से अपने सैनिकों को हटा दिया है लेकिन पलायन के बाद एक बार फिर से बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और अब अफगान देश छोड़ना चाहते हैं। نو مسلمانی د نشی دخل د کوپر خلق د داد درازیال د شید ولاری د کشنیان د مومنان د طول ته د حال د کندار والی ته مر وایش دا وسنګ حوزه د داد سنزوري ولاری فرکای। अफगानिस्तान में इस वक्त महिलाएं देश भर में नहीं बल्कि सरकार में भागीदारी के लिए भी प्रदर्शन कर रही हैं। उन्हें डराने के लिए तालिबानी लड़ाके हवाई फायर कर रहे हैं लेकिन बावजूद इसके अफगानिस्तान में महिलाएं तालिबान के आतंकवादियों के सामने डट कर खड़ी हैं। महिलाएं अपना अधिकार मांग रही हैं, लोकतंत्र की बात कर रही हैं और उनकी आवाज को लगातार कुचलने की कोशिश की जा रही है। हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। काबुल की तस्वीर देखिए, जब एक महिला को आतंकवादी पकड़कर गाड़ी में बिठा कर ले जा रहा था तो वो खिड़की से बाहर निकलकर अपनी आवाज बुलंद कर रही थी, आजादी के नारे लगा रही थी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।